वहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास कटनी आएंगे, जहां वो फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक शाम शहीदों के नाम इस कार्यक्रम में वो काव्य पाठ करने आ रहे हैं। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को वाई प्लस की सुरक्षा मिली हुई है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्लेग्राउंड में जहाँ पे कटनी में एक शाम शहीदों के नाम पे जिस तरीके से कुमार विश्वास को लेके आगमन को लेके एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, और इसमें हमारे यहाँ जो सहभाग दिखा रहे हैं डिलाइट टेंट हाउस वाले, उनकी तरफ से भी यहाँ पे बहुत ही सक्रियता से वो पे तैयारी को लेके जायजा लिया जा रहा है। उन्हीं के बीच में हमारे बीच में एक कभी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या सर, क्या आज की तैयारी को लेके यहाँ? तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं, कभी भी अपने अपने आवास स्थल से कटनी के लिए निकल चुके हैं। ये बड़े गौरव का क्षण है कि स्वर्गीय ओम प्रकाश सरावगी जी, स्वर्गीय शकुंतला देवी सरावगी की स्मृति में एक शाम शहीदों के नाम कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन, साथ में ओम प्रकाश सरावगी विद्यालय और मुक्तिधाम विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये उत्सव पूरे शहर द्वारा, नगर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप सभी शाम 7 बजे के पूर्व समय पर सादर आमंत्रित हैं। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने एक आमंत्रण भी किया है कटनी शहरवासियों को, नगरवासियों को, कि 7 बजे से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होना है। उस कार्यक्रम में एक ऐसी भीड़ एकत्रित होने की संभावना है जिसमें 20 से 30 हज़ार लोगों की एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे उपस्थित लोगों को एक कार्यक्रम में देखने को रहेंगे। और वहीं पर हम बात करें, यहाँ पे जो मेन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पूरी तैयारी को लेकर मुख्य रूप से 2 दिन से यहाँ पे इतने सक्रियता से काम कर रहा है जय सरावगी जी, हम उन्हीं से ही बात करते हैं। सर, क्या तैयारी यहाँ पे? तैयारियाँ युद्ध स्तर में पूर्ण हो चुकी हैं। कटनी को पिछले 40 वर्षों के बाद ऐसा महोत्सव देखने को मिलेगा जिसमें युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की उपस्थिति 4 चांद लगाने जा रही है। बहुत ही सुव्यवस्थित कटनी टेंट लाइट परिवार के सदस्यों ने इसको सजाने का काम किया है। उतनी ही बैठक व्यवस्था, उतना ही उम्दा साउंड सुनने को यहाँ पर आपको मिलेगा। सर, कितने समय हो गए इनको कुमार विश्वास जी कटनी आए हुए, आज आने का उनका है प्रावधान तो कैसे? 1990 के दशक में कुमार विश्वास जी कटनी आए थे, मनोहर मनोज जी के निवास में रुके थे। मनोहर मनोज जी को वो अपना मामा मानते हैं। उसी तारतम्य में हम लोग 3 वर्षों से उनसे आग्रह कर रहे थे, इस वर्ष उन्होंने अपना आग्रह स्वीकार किया है और कटनी को ये लाभ मिलने जा रहा है। ऐसे कितने कवि हैं कटनी में जो आज अपनी कटनी में? हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय कवि मनोहर मनोज जी के रूप में पितामह हैं, उन्हीं के आगमन पे, उन्हीं के निवेदन पे ये बड़े बड़े कवियों ने इस कटनी में आके हस्ताक्षर किए हैं। ये कटनी के लिए गौरव की बात है। जिस तरीके से व्यवस्था को लेके हमारे सरावगी जी ने यहाँ पे सारी बात बताई, जो कवि देश से पूरे अपने मध्य प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, सभी जगह से यहाँ पे कवि आ रहे हैं। अब उनके साथ में यह जो प्रस्तुति होना है, जो कविताएं होना है, एक शहीदों के नाम पर, उसके लेकर आज तैयारी के लेकर जा रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था बनेगी। ये देखिए, लगभग 5 से 6 हज़ार कुर्सी तो अभी तैयार हो चुकी है। उसके बाद VIP की व्यवस्था अलग से की गई है, पत्रकारों के लिए एक अलग से व्यवस्था दी गई है। वहीं पर प्लेग्राउंड है जिसमें एक भीड़ का कोई मतलब किसी को लिए निःशुल्क रखा गया है, कोई यहाँ फाउंडेशन नहीं किसी प्रकार की, परंतु एक सुविधा के लिए जिला प्रशासन भी यहाँ पे और सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मैं नवनीत गुप्ता, अनादि TV, कटनी।